बी टाउन में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए मशहूर हैं। उन्हीं में से एक है अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी। लेकिन खबरें आ रही हैं कि अक्षय और कैट एक बार फिर साथ रह गए हैं, क्योंकि अपकमिंग फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से कैटरीना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फिल्म में नई हसीना की एंट्री करा ली गई है। तो भाई अब ये हसीना कौन है, आप देखिए ये रिपोर्ट। एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी हुआ करती थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की। इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन फिल्म 30 मार खा के बाद इनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर दोबारा कभी साथ काम नहीं किया। बताया जाता है कि कैटरीना पर अक्षय कुमार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे। ऐसे में उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना इनसिक्योर हो गई थी और इसीलिए अक्षय ने दोबारा कभी कैटरीना के साथ बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं किया। लेकिन काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अक्षय कैटरीना की सुपरहिट फिल्म नमस्ते लंदन के रीमेक नमस्ते इंग्लैंड की प्लानिंग हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म के जरिए एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कैटरीना और अक्षय की रोमांटिक जोड़ी की वापसी होगी। लेकिन खबरों की माने तो अब अक्षय खुद कैटरीना के साथ काम नहीं करना चाहते। उन्होंने नमस्ते इंग्लैंड से कैटरीना कैफ को आउट कर दिया है और उनकी जगह एंट्री ली है परिणीति चोपड़ा ने। जी हाँ, खबरों की माने तो अब अक्षय परिणीति चोपड़ा के साथ इंग्लैंड की सैर करेंगे और उनके साथ इश्क फरमाएंगे, क्योंकि ये पहली बार होगा जब दर्शक इस जोड़ी को साथ देख पाएंगे। अक्षय ने भी कहा है कि वो परिणीति के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि परिणीति अक्षय की फिल्म में नजर आएंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा के इस फिल्म में साइन करने की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि अक्षय और सोनाक्षी भी राउडी राठौर में साथ काम कर चुकी है। इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। अब देखना ये है कि वो कौन सी हसीना होगी जो अक्षय के साथ इंग्लैंड की सैर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।